4 नवंबर के दिन रिलीज हुई दमन फिल्म, जिसको रिलीज होने के बाद कांतर की तरह कोई नहीं जानता था। लेकिन 2 दिन में ही इस फिल्म ने ऐसा कमाल दिखाया कि ये पूरे सोशल मीडिया पर छा गई और हर तरफ अभिग्रह में इसी मूवी की चर्चा हो रही है। हालांकि अभी तक इसको ओडिया लैंग्वेज में ही रिलीज किया गया है, बाकी जल्द ही ये फिल्म हमें हिंदी में देखने को मिलने वाली है। आप लोगों को शायद पता होगा स्टार्टिंग में इस फिल्म खाली ओडिशा स्टेट के अंदर रिलीज किया गया था, लेकिन कल 11 तारीख को ही ओडिशा के अलावा इस फिल्म को और भी बड़ी बड़ी सिटी में रिलीज किया गया। इसके अलावा कल इस फिल्म को इन सिटी में 1-1, 2-2 शो ही मिले, लेकिन आज उन शो को इंक्रीज कर दिया गया है। इसके अलावा इन सब जगह पर फिलहाल इसको खाली ओडिया लैंग्वेज में ही इंग्लिश सब के साथ रिलीज किया गया है। अब जिन जिन सिटी में शो लगे उनका नाम अहमदाबाद, मुंबई, रायपुर, बेंगलुरु, चेन्नई, कोलकाता और आज तो दिल्ली में भी एक शो लगा है। आइए जानते हैं इन सब जगह हाउसफुल चल रहे या फिर खाली चल रहे। सबसे पहले हम देखते हैं जहाँ की मूवी है वहीं के शो। तो हम ओडिशा के शो देखे तो ओडिशा के बहरामपुर में दमन फिल्म को 1 स्क्रीन मिली है और उसमें 2 शो लगे हुए। वहीं हम 13 तारीख कल के देखे तो कल इसके बहरामपुर में 4 शो लगे हुए। वहीं हम शाम 6 बजे का शो देखे तो आधे से ज्यादा सीटें खाली है। अब उसके बाद 9 बजे वाले शो की भी वही हालत है। इसके बाद हम देखते हैं मुंबई में दमन के शो। तो मुंबई के कुर्ला में दमन फिल्म को 1 स्क्रीन मिली है जिसमें 2 शो लगे हुए। अब 4:30 बजे का शो देखे तो भाई साहब पूरा ही खाली है। वहीं हम 10 बजे का शो देखे तो इसकी भी पूरी सेम हालत है। अभी हम बात कर रहे हैं दिल्ली NCR की। तो दिल्ली के बारे में दोस्तों आपको बता देता हूँ, तो दिल्ली में कल 11 तारीख को इसको रिलीज नहीं किया गया था, बल्कि आज ही दिल्ली में इसको रिलीज किया गया है। तो दिल्ली में आज इसको 3 स्क्रीन मिली है और सभी जगह 1-1 शो लगे, जिसमें से 1 शो फुल बता रहा है। पहला शो नोएडा में लगा है जिसको हम देखे तो 5-10 सीटें बुक है, बाकी पूरा ही खाली। दूसरा हम गुड़गांव का देखे तो बाहर से तो ये पूरा ही फुल बता रहा है, बाकी अंदर से 40-35% खाली है। तीसरा द्वारका का देखे तो इसकी भी दोस्तों थोड़ी बहुत ही सीटें बुक है, बाकी पूरा ही खाली है। आगे देखते हैं बेंगलुरु में दमन क्या धूम मचा रही है। तो भाई साहब बेंगलुरु में दमन बहुत ही अच्छी चल रही है, मतलब खाली 1 शो खाली है, बाकी सारे ही फुल है। खैर पहला शो देखे तो आप लोग देख सकते हो पूरी ही सीटें फुल है, खाली 9-10 सीटें खाली है, बाकी सारे ही फुल है। खैर इसके बाद ये 4 बजे का तो पूरा खाली है। खैर इसके बाद 7 बजे का देखे तो भाई साहब खाली 1 सीट खाली है। वहीं 10:30 बजे का देखे तो उसकी भी सेम ही हालत है, 10-15 सीटें खाली है। बेंगलुरु में दोस्तों आप लोग देख सकते हो 13 तारीख के शो भी फुल बता रहे, मतलब लोगों ने 1-1 दिन पहले की बुकिंग भी कर दी है। इसके बाद देखते हैं अहमदाबाद का, तो अहमदाबाद में फिलहाल दोस्तों 1 ही शो लगा और वो भी पूरा खाली है, जो कि आप लोग देख सकते हो खाली 10-15 सीटें बुक है। इसके बाद देखते हैं चेन्नई की हालत, तो चेन्नई में यार 1 शो लगा और वो भी पूरा फुल है, खाली इसमें 1 सीट खाली है। अब चेन्नई की हम 13 तारीख की बुकिंग भी देखे तो 13 तारीख में भी पूरा हाउसफुल चल रहा है। आगे बात करते हैं कोलकाता की, तो कोलकाता में आज का शो खत्म हो चुका है, 13 तारीख का बता रहा जो कि आधा शो खाली पड़ा है। एंड में हम देखते हैं रायपुर का, तो रायपुर में 1 शो लगा और वो भी आधे से ज्यादा खाली है। अब दमन फिल्म जो अब तक ओडिशा के बाहर रिलीज की गई है वो इन सब जगह पर रिलीज की गई है और आज उसमें थोड़े बहुत शो इंक्रीज किए गए। दिल्ली, बेंगलुरु इन दोनों जगह पर फिल्म अच्छी चल रही है, बाकी जहाँ पर भी रिलीज हुई है वहाँ पर इतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। अब रिस्पॉन्स अच्छा ना आने का रीजन एक ही है कि इसे हिंदी में रिलीज नहीं किया गया। अब ओडिया लैंग्वेज सब लोग को आती नहीं है, इंग्लिश सबटाइटल के साथ कौन देखेगा, तो इसी कारण लोग इसके हिंदी में रिलीज होने का वेट कर रहे हैं। बाकी जब ये हिंदी में रिलीज होगी मुझे पूरा यकीन है ये फिल्म कांतारा को भी पीछे छोड़ देगी, क्योंकि दोस्तों अभी से ही इसको हिंदी में लेकर हाइप बनी हुई है, लोग इसके हिंदी में डबिंग होने का वेट कर रहे हैं। वैसे दोस्तों अभी तक इसकी हिंदी में कोई रिलीज डेट तो नहीं आई है, बट मैं पूरे यकीन के साथ कह सकता हूँ कि 10 या 15 दिन बाद ये फिल्म हिंदी में आ जाएगी और हिंदी में आते ही ये धूम मचा देगी। वैसे कौन कौन इस फिल्म को देखने के लिए ज्यादा एक्साइटेड कमेंट में बताओ और ऐसे ही फिल्मों के अपडेट जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो।